हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करता हूँ, सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर कोई सामान मंगवाना चाहते हैं, आपको कोई लैपटॉप मंगाना है, कोई मोबाइल मंगाना है, पर आपको जो है ईएमआई पर मंगवाना है बट आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो किस तरह से आप अपने डेबिट कार्ड पर ईएमआई करवा के आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगा सकते हैं। बट दोस्तों, उसकी जो है कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे आपको कोई सामान मंगाना है तो 5,000 से ज़्यादा का सामान होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी खाते में कोई भी आपके डेबिट कार्ड के खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट से कोई सामान मंगा सकते हैं। जैसे आपको कोई 20-30 हज़ार का फ़ोन मंगाना है, कोई लैपटॉप मंगाना है, कुछ भी मंगाना है, आपके पास केवल डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड है या एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का है या किसी और दूसरी कंपनी का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी और दूसरे बैंक का अकाउंट का है, तो कैसे आप केवल डेबिट कार्ड पर ईएमआई लगा के अपने फ्लिपकार्ट से कैसे आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर भी इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट पर ईएमआई पर अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके ईएमआई पर सामान मंगा सकते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे अपने डेबिट कार्ड पे ईएमआई करवा के आपको कोई भी सामान मंगाना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम मंगाना है, जैसे मोबाइल मंगाना है, मोबाइल फ़ोन वगैरह मंगाना है, कुछ और मंगाना है, कैसे आप मंगा सकते हो, इस वीडियो के अंदर अपन जो है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे जो है मोबाइल पे अपन आ जाते हैं। मोबाइल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं रियलमी का ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, या थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन रियलमी नार्जो का लेते हैं जो कि 15-16 हज़ार के आसपास का आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला एक फ़ोन ले लेते हैं। इस वाले फ़ोन पे अपन आते हैं तो नीचे नीचे आपको आना है। यहाँ पे जो है आपको कलर वगैरह चूज़ कर लेना है कि फ्लिपकार्ट में क्या मेरे को इस वाले फ़ोन का ये वाला कलर लेना है, ये सब लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है ईएमआई का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो कॉस्ट ईएमआई, तो यहाँ पे आपको व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है तो आपको जो है फ़ोन का जो अमाउंट वगैरह होता है वो आपको बता देता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का अगर है, आईसीआईसीआई बैंक का है, तो यहाँ पे जो है ईएमआई लग जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है ईएमआई लग जाएगी। तो 3 मंथ के आसपास जो है जो ईएमआई बैठता है इसका 5,333 बैठता है, और 6 महीने की अगर आप ईएमआई करवाते हो तो 2,667 के आसपास बैठती है। दोस्तों यहाँ पे मेन मुद्दा, मेन इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको बाय ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट करने के बाद अब यहाँ पे अपन आते हैं गो टू कार्ट के अंदर, कार्ट वाले पेज के अंदर अपन आते हैं। तो यहाँ पे अब जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है इसको प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो ये करने के बाद यहाँ पे जो इसका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आने के बाद अब इसको अपन नीचे आते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे जब अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे अब अपन आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, 15,999 का टोटल फ़ोन है। अब यहाँ पे जो है अगर आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे, अगर आप देखिए अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है या यूपीआई है, तो जब आप यूपीआई करते हो या बैंक अकाउंट के थ्रू करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। जैसे 15,000 का अगर कोई फोन ले रहे हो तो 15,000 का पेमेंट करना पड़ता है, 20,000 का कोई फोन ले रहे हो तो 20,000 पेमेंट करना पड़ता है, यूपीआई करते हो अगर आप तो भी आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है, वॉलेट मनी करते हो तो भी आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ईजी इंस्टॉलमेंट का, ईएमआई का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है ईजी इंस्टॉलमेंट ईएमआई का। ईएमआई पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो देख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब अपन नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको नो कॉस्ट ईएमआई दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आपको जो नो कॉस्ट ईएमआई के जो प्रोसेस बताता है, यहाँ पे जो जो कार्ड वगैरह बताया मोस्ट इमोटली सारे जो है आपको क्रेडिट कार्ड बताते हैं। यहाँ पे देखो, बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे जो है आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और सेम मोबाइल नंबर से आपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे जो है आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं देता है फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है नॉर्मल किसी भी यूजर को ऐसे जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं देता है। और आपको जो है मोस्टली मोस्टली सब ईएमआई पे अगर आप कोई सामान परचेस करना चाहते हो 15-20 हज़ार का, 25-30 हज़ार का, तो आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में अपन सोल्यूशन की बात करेंगे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है डेबिट कार्ड के थ्रू जो है कोई सामान ईएमआई के थ्रू जो है मंगा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, बैक आ जाना है यहाँ से। ठीक है, बैक आते हैं पूरा बैक आ जाना है आपको, आपको होम पेज पे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना होम पेज है, यहाँ पे जो है अपन आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे नीचे आपको क्या करना है, आपको इसका सोल्यूशन ये है, आपको नीचे नीचे आना है। यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, यहाँ पे आपको नीचे नीचे कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं शॉप का, नीचे देखिए शॉप का, सुपर कॉइन का, उसके बाद होम बटन का, इसके बाद वीडियो का, उसके बाद गेमिंग जोन का।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक बीच वाला जो बटन आता है ना, ये वाला जो बीच वाला सेंटर वाला जो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, बीच वाला जो बटन है, सेंटर सेंटर होम वाला बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रेडिट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है क्रेडिट का। इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इस वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि क्रेडिट ऑप्शन ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी एक ऑप्शन है जो नया नया आया, जिसमें 10,000 तक का आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट जो है मिल जाता है। इसके बाद नीचे जब आप करेंगे तो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो बोलता है डेबिट कार्ड ईएमआई एंड पार्टनर्स ऑफर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे आपको देखना है, ये बोला इंजॉय प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन फ्रॉम आवर पार्टनर्स टू शॉप ऑन ईएमआई। आपको इस पर क्लिक करना है। हाउ डज इट वर्क वाले बटन पे क्लिक करा है। अब यहाँ पे सिंपली ये सिंपली सिंपली बोलेगा, इजी इजी शब्दों में आपको बता देता हूँ, नाउ अवेल ईएमआई ऑन योर डेबिट कार्ड। आप अपने जो डेबिट कार्ड से ईएमआई जो है अवेल कर सकते हो, ऊपर ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों, ये बोले नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपने डेबिट कार्ड में कोई भी बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके डेबिट कार्ड में 20-20 हज़ार, अगर आप फोन दे रहे हो तो 20 हज़ार ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए कि आपके आधार कार्ड वेरीफाई करवाना है या पैन कार्ड करवाना है। इसमें कोई भी डाउन पेमेंट भी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप जब ऑफलाइन मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं, फोन लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो जैसे 20 हज़ार की कोई चीज़ होती है तो 10 हज़ार डाउन पेमेंट मांग लेता है शॉप वाला कि भाई 10 हज़ार आप अभी दे दो, उसके बाद 10 हज़ार की हम आपकी ईएमआई बना देते हैं, मंथली किस्त चल जाएगी आपकी। तो उसकी भी उसका इसका भी कोई सोल्यूशन, कोई जो है इसका भी कोई हेडक नहीं है। तो इसमें कोई आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको मंथली मंथली जो है ईएमआई देते रहना। जैसे अगर आप 6 महीने की बनवाते हैं या 12 महीने की करवाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्री अप्रूव्ड ईएमआई, यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का है, इसका है, इसका एचडीएफसी का है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट आएगा वो है दोस्तों ये एसएमएस डीसीईएमआई 2575752 चेक एलिजिबिलिटी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है सबसे मेन पॉइंट है जो ये बोलेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी बैंक अकाउंट आपका कनेक्टेड है, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने फ्लिपकार्ट, जिस भी फोन नंबर से आपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाया है, और वो सेम नंबर आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, उसी नंबर से, उस वाले फोन नंबर से आपको मैसेज लिखना है, डी सी ई एम आई लिखना है, और उसको भेज देना है 57575 पे। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो जब आप मैसेज सेंड कर देंगे तो आपके पास जो है कुछ देर बाद, मैं हैंड टू हैंड तो नहीं बताऊंगा कि इमीजिएट तो नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद आपके पास जो है फ्लिपकार्ट की टीम की तरफ से मैसेज आ जाता है इस बारे में अपडेट देने के लिए कि आपका भाई जो आपका जो कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, जो जो जिस फोन नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड है उस मोबाइल नंबर में, उस डेबिट कार्ड को वो एलिजिबल चेक करते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, कि आपको जो है ईएमआई के बेस पे जो है सामान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आपको कुछ देर बाद जो है उस पर जो है मैसेज आके ये बता देते हैं। इसके बाद की हाइलाइट्स इसके आप देख सकते हो, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 5,000 की होती है, 5,000 से ज़्यादा का आपको आइटम मंगाना पड़ता है ईएमआई पे। डाउन नो डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं चाहिए होता है। जैसे आपको स्टार्टिंग में कोई डाउन पेमेंट दे दे, नहीं, आप मंथली मंथली जो है ईएमआई कर सकते हो। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, नो, और जहाँ पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे जो है मंथली मंथली आप इंस्टॉलमेंट के लिए जो है दे सकते हो। अब नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था हाउ टू अवेल ऑफर, यहाँ पे बोलते हैं चेक फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबिलिटी ऑन द प्रोडक्ट पेज। सभी जो है सभी प्रोडक्ट्स पे जो है आपको हो सकता है कि डेबिट डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आपको डेफिनेटली डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका जो है ये अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो डीसीएमआई लिखना है आपको, डीसी ईएमआई लिख के 57575 पे भेज देना है, आपकी अवेलेबिलिटी चेक हो जाएगी तो जो है डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपका अगर एलिजिबल हैं अगर आप ईएमआई देने के लिए तो वो आपके पास जो है मैसेज आ जाता है फ्लिपकार्ट की टीम वालों के। इसके बाद यहाँ पे कैसे अवेल करना है आपको, प्रोडक्ट पेज पे जाना है, किसी भी फोन पे जाना है, लैपटॉप पे जाना है, उस पर जो है ईएमआई वाले बटन पे आना है। इसके बाद उसको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप चेकआउट वाले पेमेंट वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा चेक डेबिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन ऑन पेमेंट पेज, यानी कि आपका जो पेमेंट पेज है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पेमेंट पेज पे जब आप आना रहे तो वहाँ पे सारे आपको क्रेडिट वाले ऑप्शन दिख रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा डेबिट कार्ड ईएमआई का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, डेबिट कार्ड ईएमआई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपका एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई ऐसे लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका आईसीआईसी बैंक है तो आपको आपको लिखा हुआ आईसीआईसी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई, तो डेबिट कार्ड लिखा हुआ आएगा, क्रेडिट कार्ड नहीं लिखा होगा, डेबिट कार्ड लिखा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना टेंचर सेट कर लेना है कि भाई आपको 3 महीने में जमा कराना है, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट चाहिए कि 6 महीने की चाहिए कि 1 साल की चाहिए, तो वो करके जो है आपको ये करा देना है। बस दोस्तों इतना सा ही है ऑप्शन, तो ये इसके बारे में मेरे को आपको बताना था। तो मुझे लगा कि इसके बारे में जरूर से जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो
ये था वीडियो। इसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे आप शॉप विद डेबिट कार्ड ईएमआई वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड ईएमआई वाले जो प्रोडक्ट्स आएंगे बेसिकली वो जो है जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे जो है आपको पेमेंट वाले पेज पे जाके डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट सेट कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से बता दूँ, यहाँ पे होम बटन वाले एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्रेडिट वाले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद नीचे नीचे आना डेबिट कार्ड ईएमआई पार्टनर ऑफर्स इस वाले पेज पे आ देना, तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला पेज दिख जाएगा। बस दोस्तों वीडियो इतना ही था और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, आप अपना डेबिट कार्ड आप डेफिनेटली जो है एक मैसेज सेंड करके आप जो है एलिजिबिलिटी चेक जरूर कीजिएगा कि आपका जो है एलिजिबल हो जाता है क्या। अगर आपका एलिजिबल हो जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप और आपका फेवरेट जो है ऑनलाइन जो वेब शॉपिंग वेबसाइट है वो कौन सी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, तो वो और कौन सी है, तो वो मेरे को जरूर नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप सब, तब तक के लिए बोलते हैं।